वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस मामले में चीफ जस्टिस 3 जज नियुक्त करेंगे। वही केजरीवाल को अब तक अंतरिम जमानत दी गई है, जब तक मामला बड़ी बेंच के समक्ष लंबित रहेगा। इसी वजह से फिलहाल केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वह मौजूदा समय में सीबीआई की कस्टडी में है, लेकिन उन्हें जमानत ईडी के केस में मिल चुकी है। ऐसे में अभी भी वह जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। तो वही इस मामले में सियासत गरमाई हुई है और अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं, आम आदमी पार्टी ने आज कॉन्फ्रेंस की, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता आतिशी ने क्या कुछ कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। भी अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, चलिए सुनाते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर भाजपा नेताओं का क्या कुछ कहना है। जांच एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नए स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। पुनः आम आदमी पार्टी जनता को और मीडिया को गुमराह कर रही है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो पटिशन थी सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनकी प्रेयर थी कि आप मेरी अरेस्ट को अवैध डिक्लेयर करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्रेयर पर कोई राहत नहीं दी है बल्कि इस मैटर को एक लार्जर बेंच को रिफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक सील ऑफ अप्रूवल लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के गिल्टी हैं, दोषी हैं, और इसीलिए ये भी कहा कि सेक्शन 19 पीएमएलए की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, इसीलिए आईओ उनको अरेस्ट कर सकते थे। ये जो इंटरिम बेल मिली है ये बस इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को भेजा गया है। लार्जर बेंच की सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप ये देखिए जो कंडीशंस लगाई हैं वो वही कंडीशंस हैं जो 10 मई के ऑर्डर में थी। यानी ना वो सीएम के ऑफिस जा सकते हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल जी किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं अनलेस वो फाइल उनको एलजी ऑफिस में फॉरवर्ड करनी है। तो पुनः कहूंगी कि ये गुमराह करने की बात है। आज कोई राहत माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिली। हाँ, एक इशारा जरूर मिला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, वो ये कि जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी यानी जैसे केजरीवाल जी हो गए, वो एक अभियुक्त के तौर पर एक स्कैम में लिप्त होते हैं तो उनको त्यागपत्र देना चाहिए। पर क्या करें, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तो सत्ता के मुंह में मदमस्त है और दिल्ली की जनता उनकी इस जिद के कारण त्रस्त है। देखिये, आज आम आदमी पार्टी किस बात का जश्न मना रही है? अंतरिम बेल को संपूर्ण राहत और दोषमुक्त होकर प्रस्तुत करने की जो चेष्टा कर रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी को दोषमुक्त कहा गया है। उल्टा आज के ही सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में उन्हें नसीहत और उन्हें सलाह दी गई है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर जब इस प्रकार के गंभीर आरोप लगते हैं तो उनको तय करना चाहिए कि क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आज तो इस नसीहत को मानते हुए, आदेश की तरह लेते हुए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। हकीकत तो यह है कि यदि अंतरिम राहत दोषमुक्त होने का प्रमाण बन जाता है तो फिर तो मनीष सिसोदिया को अब तक बेल भी नहीं मिली है, इसका मतलब वो दोषी है। मुझे लगता है इस प्रकार के कुतर्कों से बचना चाहिए। और जो मूल सवाल है वो केवल इतना है कि अरविंद केजरीवाल जी जो शराब घोटाले के सरगना है, जो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है, उनको क्या किसी ने भी क्लीन चिट दी है? हाई कोर्ट तक ने कहा है कि पूरी मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होती है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राइमा फेसी बहुत सारे एविडेंस है। अभी जो ईडी की चार्जशीट दाखिल की गई है उस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा है कि इसमें सफिशिएंट मटेरियल है अक्यूज के खिलाफ। और आज जो मांग रखी गई थी अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों के द्वारा वो ये थी कि अरेस्ट को अवैध घोषित किया जाए। अरेस्ट को अवैध तो घोषित किया नहीं, केवल कानून के एक बिंदु पर लार्जर बेंच के पास मामले को ट्रांसफर किया गया है। इसीलिए आज जो भ्रष्टाचार के पक्ष में जश्न मना रहे हैं उनको बताना चाहिए कि उनका इतना बड़ा सियासी धर्मांतरण, झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक और अन्ना से आज लालू तक पहुंच गए हैं, ये भ्रष्टाचार का जश्न मनाया जा रहा है, कोई राहत नहीं मिली।